When lifting any object, the back must be. अर्थात जब हम लोग किसी लोड को मैन्युअली उठाते हैं यानी हाथ से उठाते हैं तो हमारा बैक यानी कि रीढ़ की हड्डी पीठ का पोजीशन क्या रहना चाहिए. ए अलॉट टू बेंड, इसको बेंड कर लेना चाहिए. बी यूज टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इसका यूज करना चाहिए यानी कि पीठ से उठाना चाहिए. सी केप्ट एट एन एंगल, यानी कि पीठ को एक एंगल पे झुका देना चाहिए. डी केप्ट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल, अर्थात जितना हो सके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए किसी वस्तु को उठाना चाहिए. 5, 4, 3, 2, 1 Knockouts. तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, केप्ट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल, अर्थात जितना हो सके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर ही लोड उठाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लोअरिंग एनी ऑब्जेक्ट टू द फ्लोर यू शुड, अर्थात जब किसी वस्तु को आप फ्लोर पे रख रहे हैं जिसको आप उठाकर लाए हैं तो फ्लोर पे रखते समय क्या करना चाहिए. ए लेट द ऑब्जेक्ट ड्रॉप, अर्थात वस्तु को ऊपर से छोड़ देना चाहिए. बी बेंड द नीज एंड यूज योर लेग मसल्स, यानी कि पैर के घुटनों को बेंड करते हुए और लेग के मसल्स को यूज करते हुए वस्तु को नीचे रखना चाहिए. सी आस्क ए सेकंड पर्सन टू हेल्प, अर्थात किसी दूसरे आदमी को हेल्प के लिए बुला लेना चाहिए. डी बेंड फ्रॉम द वेस्ट, अर्थात अपने हाथ के कलाई को बेंड करके लोड को रखना चाहिए. 5, 4, 3, 2, 1 Knockouts. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात बेंड द नीज एंड यूज योर लेग मसल्स, यानी कि घुटनों को धीरे धीरे बेंड करिए और लोड को आहिस्ता से फ्लोर पे रख दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शो, अर्थात चित्र में दिए गए फोटो का नाम बताएं. इस फोटो का क्या नाम है. ए वायर रोप क्लिप, बी प्लेट क्लैंप, सी लिफ्टिंग बीम, डी बीम क्लैंप. 5, 4, 3, 2, 1 Knockouts. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी लिफ्टिंग बीम. मित्रों चित्र को देखकर पहचाने. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिफ्टिंग बीम, अर्थात एक लिफ्टिंग बीम क्या होता है क्या करता है. ऑप्शन ए लिफ्ट्स टू लोड्स एट द सेम टाइम, अर्थात लिफ्टिंग बीम एक ही समय में दो लोड को उठा सकता है. ऑप्शन बी डायरेक्ट्स हेवी ऑब्जेक्ट ओवर लार्ज ऑब्स्टेकल्स, अर्थात यह भारी वस्तु को बड़े रुकावट से पार कर सकता है. सी डिस्ट्रीब्यूट्स द वेट ऑफ ए लोड इवेंटली, अर्थात यह लोड को सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि लोड के वेट को लिफ्टिंग बीम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. डी गाइड्स ए हेवी लोड, अर्थात यह हेवी लोड को गाइड करता है. 5, 4, 3, 2, 1 Knockouts. तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूट्स द वेट ऑफ ए लोड इवेनली, अर्थात यह लोड के वेट को वजन को
बीम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इक्विपमेंट प्रिवेंट्स ए लोड फ्रॉम बीइंग क्रश्ड, यानी कि कौन सा इक्विपमेंट लोड को क्रश होने से बचाता है। ए चैफिंग गियर, बी बीम क्लैंप, सी स्प्रेडर बीम, डी टर्न बकल। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, स्प्रेडर बीम किसी लोड को क्रश होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्टिंग इक्विपमेंट शोन, यानी कि दिखाए गए फोटो का क्या नाम है। ए स्लिंग, बी प्लेट क्लैंप, सी शकल, डी होइस्ट। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन बी, प्लेट क्लैंप, फोटो को देखकर पहचानते चले मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेट क्लैंप अर्थात एक प्लेट क्लैंप का क्या काम है। ए स्प्रेड द वेट ऑफ द लोड, यानी कि यह लोड के वेट को स्प्रेड करता है, फैला देता है। बी स्टेक स्टील प्लेट्स, यह स्टील प्लेट को एकत्र करता है। सी प्रोटेक्ट्स स्टील प्लेट्स फ्रॉम डैमेज, यह स्टील प्लेट को डैमेज होने से बचाता है। डी लिफ्ट्स स्टील प्लेट्स विदाउट द नीड ऑफ होल्स, यह स्टील प्लेट को लिफ्ट कर देता है बिना उसमें होल बनाए। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, लिफ्ट्स स्टील प्लेट विदाउट द नीड ऑफ होल्स, यानी कि बिना होल की आवश्यकता के, होल करने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी प्लेट को उठाने के लिए जब हम लोग प्लेट क्लैंप को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जा ऑफ ए प्लेट क्लैंप आर कोटेड विद द डायरेक्ट और ग्रीस यू मस्ट, अर्थात जब प्लेट क्लैंप के जा में ग्रीस लगा हो तो आप क्या करेंगे। ए यूज द क्लैंप ओनली ऑन ए स्मॉल प्लेट, छोटे छोटे प्लेट को उठाने के लिए यूज करते हैं। बी नॉट यूज द क्लैंप, क्लैंप को यूज नहीं करते हैं। सी रिप्लेस द जा, अर्थात प्लेट क्लैंप के जबड़ा को, जा को हटाकर दूसरा जबड़ा लगाएंगे। डी क्लीन एंड इंस्पेक्ट देम बिफोर यूज, उस ग्रीस को क्लीन करेंगे प्लेट क्लैंप से और उसका इंस्पेक्शन करेंगे यूज करने के पहले। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, क्लीन एंड इंस्पेक्ट देम बिफोर यूज, अर्थात यूज करने के पहले उसको सफाई करेंगे, ग्रीस वगैरह जो भी लगा हो उसका इंस्पेक्शन कराएंगे तब यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्टिंग इक्विपमेंट शोन, अर्थात इस ग्राफिक में दिखाए गए फोटो का क्या नाम है। ए स्प्रेडर बीम, बी प्लेट क्लैंप, सी बीम क्लैंप, डी आई बोल्ट। 5, 4, 3, 2, 1, नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, बीम क्लैंप, फोटो को देखकर पहचानते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम क्लैंप इज फाउंड टू हैव क्रैक्स ऑन इट्स बॉडी यू मस्ट, अर्थात बीम क्लैंप क्रैक हो तो आपको क्या करना चाहिए।
ए इट ओनली ऑन ए स्मॉल लोड्स बी स्टील यूज इट सी रेड यूज इट्स कैपेसिटी डी नॉट यूज इट फाइव फोर थ्री टू वन नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी नॉट यूज इट, अर्थात अगर बीम क्लैंप क्रैक है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू पिक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्टिंग इक्विपमेंट शोन, यानी कि ग्राफिक में दिखाए गए कनेक्टिंग इक्विपमेंट का नाम बताना है। इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है मित्रों, ऑप्शन ए स्लिंग, बी शकल, सी आई बोल्ट, डी होइस्ट। फाइव फोर थ्री टू वन नॉकआउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी आई बोल्ट। फोटो को देखें और पहचानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्टिंग इक्विपमेंट शोन, यानी कि ग्राफिक में दिया गया फोटो का क्या नाम है। ए टर्न बकल, बी स्प्रेडर बीम, सी सोल्जर टाइप आई बोल्ट, डी आई स्लिंग। फाइव फोर थ्री टू वन नॉकआउट। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी सोल्जर टाइप आई बोल्ट। फोटो को देखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आई बोल्ट यानी कि आई बोल्ट क्या होता है, क्या करता है। ऑप्शन ए मेक्स एन आई इन द वायर रूप, यानी कि वायर रूप में एक आई बनाता है। बी अटैचेज स्लिंग्स एंड सकल्स टू लोड्स, यह लोड के साथ सकल और स्लिंग को अटैच करता है। सी प्रोटेक्ट्स द आई ऑफ ए स्लिंग, यह स्लिंग के आई को सुरक्षा प्रदान करता है। डी स्प्रीड्स द वेट टू द लोड, यानी कि पूरा वेट को फैला देता है, लोड के वेट को फैला देता है। फाइव फोर थ्री टू वन नॉकआउट। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अटैचेज स्लिंग्स एंड सकल्स टू लोड, यानी कि यह लोड के साथ स्लिंग और सकल को अटैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आई बोल्ट डेवलप्स क्रैक यू मस्ट, अर्थात अगर आई बोल्ट क्रैक हो गया हो तो आपको क्या करना चाहिए भाई। ए डिस्ट्रॉय इट, इसको फेंक देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। बी वेल्ड द क्रैक, यानी जो क्रैक हुआ है उसको वेल्डिंग करा लेना चाहिए। सी यूज इट केयरफुली, इसको सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। डी रिड्यूस इट्स कैपेसिटी, इसके कैपेसिटी को कम कर देना चाहिए। फाइव फोर थ्री टू वन नॉकआउट। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए डिस्ट्रॉय इट, यानी कि इसको फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में ले जाकर डाल देना चाहिए। इसको अगर आई बोल्ट क्रैक हो गया हो तो इसको यूज नहीं करना चाहिए। मित्रों इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर किए, हम लोगों को लगभग 150 क्वेश्चन को कवर करना है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि प्रत्येक वीडियो को देखते जाएं, जैसा कि इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को लिया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जो है कि 25 क्वेश्चन को लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।